दोस्तों कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका फिर से एक न्यू वैकेंसी के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MPRL यानी मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड की तरफ से वेरियस डिसिप्लिन के लिए वैकेंसी आई हुई है। यहां पर लगभग सभी ब्रांचों के लिए वैकेंसी है। अगर हम बात करें आपकी एलिजिबल ब्रांचों की तो यहाँ पर सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस इंजीनियर एलिजिबल रहेंगे। आपकी डायरेक्ट भर्ती है, फ्रेशर्स एलिजिबल हैं, आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा और ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। और क्या बताया गया है इनके ऑफिशियल नोटिस में, उसमें आगे जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा जॉब्स अपडेट पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित किसी भी लेटेस्ट जॉब का अपडेट आपसे मिस ना हो। और आप प्रीमियम टाइप जॉब्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो हम हैं इनके ऑफिशियल नोटिस पर। नोटिस आपका मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड की तरफ से 17 दिसंबर को जारी किया गया है। ये ONGC का ही एक पार्ट है और ये रहा आपका एडवर्टीजमेंट नंबर। तो यहाँ पर आपकी असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट के लिए वैकेंसी रहने वाली है। आपको यहाँ पर E2 ग्रेड की सैलरी मिलेगी। बात कर लेते हैं आपके इम्पोर्टेंट डेटों के बारे में। तो फॉर्म ऑनलाइन होने यहाँ पर आपके शुरू हो चुके हैं 17 दिसंबर से और लास्ट डेट यहाँ पर आपकी 15 जनवरी रहने वाली है। और MRPL आपकी एक मिनरत्न कंपनी है। अब बात कर लेते हैं आपकी डिटेल ऑफ वैकेंसी के बारे में, यहाँ पर किन किन ब्रांचों के लिए वैकेंसी रहेगी। यहाँ पर केमिकल इंजीनियर्स एलिजिबल हैं, मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए वैकेंसी है, सिविल इंजीनियर्स एलिजिबल रहेंगे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स एलिजिबल हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन कंप्यूटर साइंस के साथ यहाँ पर केमिस्ट्री वालों के लिए भी वैकेंसी रहने वाली है। और आगे यहाँ पर आपको बताया है द सिलेक्शन प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू। द इनिशियल शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट फॉर द ऑफर सेट सिलेक्शन प्रोसेस विल बी बेस्ड ऑन वैलिड गेट 2022 मार्क रिजल्ट फॉर्म, एनी प्रीवियस अदर गेट एग्जामिनेशन विल नॉट बी कंसीडरेड। तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर रहेगा, लेकिन जो आपकी यहाँ पर शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी वो आपके वैलिड गेट स्कोर 2022 के आधार पर रहेगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर किस डिसिप्लिन के लिए वैकेंसी रहेगी, नंबर ऑफ पोस्ट आपकी क्या रहने वाली है, गेट पेपर या फिर आपका पेपर कोड कौन सा होना चाहिए और मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपसे यहाँ पर क्या मांगी गई है। सबसे पहली वैकेंसी यहाँ पर रहने वाली है केमिकल इंजीनियर्स के लिए। इनके लिए ही यहाँ पर सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। टोटल केमिकल इंजीनियर्स के लिए यहाँ पर 28 वैकेंसी हैं। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको बताया है अगर आपने BBTech किया है केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी या फिर पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग या फिर पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी में आप यहां पर एलिजिबल रहेंगे। और अगली वैकेंसी यहां पर आपकी रहने वाली है मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए। मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए यहां पर टोटल 24 पोस्टों के लिए वैकेंसी है। यहां पर BBTech अगर आपने किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप यहां पर एलिजिबल रहेंगे। नेक्स्ट वैकेंसी यहां पर रहने वाली है सिविल इंजीनियर्स के लिए। सिविल इंजीनियर्स के लिए यहाँ पर 2 पोस्टों के लिए वैकेंसी है। यहाँ पर आप गेट पेपर और गेट पेपर कोड देख सकते हैं। अगर आपने BBTech किया है सिविल इंजीनियरिंग में आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर रहने वाली है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए यहाँ पर टोटल 7 पोस्टों के लिए वैकेंसी है। अगर आपने BBTech किया है इलेक्ट्रिकल या फिर EEE इंजीनियरिंग से आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर्स के लिए यहाँ पर 11 पोस्टों के लिए वैकेंसी है। देख सकते हैं यहाँ पर आपके एलाइड में जितनी भी ब्रांच आती हैं अगर आपने इनसे BBTech किया है तो आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। और लास्ट वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स के लिए। कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स के लिए यहाँ पर 5 पोस्टों के लिए वैकेंसी है। आपके कंप्यूटर साइंस के एलाइड में जितनी भी ब्रांच आती हैं अगर आपने इनसे BBTech किया है तो आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। और यहाँ पर आपकी वैकेंसीज को कैटेगरी वाइज बांटा गया है, तो ये चीज़ आप यहाँ पर देख लेना कि आप यहाँ पर किस कैटेगरी में आते हैं और किस ब्रांच से आपने BBTech किया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपकी अपर एज लिमिट के बारे में। तो अपर एज लिमिट यहाँ पर आपकी 27 साल रखी गई है UR और EWS के लिए। बाकी की जो आपकी बची कैटेगरी SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन को यहाँ पर एज पर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। जैसे SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का। अब बात कर लेते हैं आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो जिन भी दोस्तों ने हमारे BBTech किया है सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या फिर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से और आप UR, EWS और OBC कैटेगरी में आते हैं तो BBTech में आपके मिनिमम 60% मार्क होने चाहिए। अगर आप SC ST PWD कैंडिडेट
कैटेगरी में आते हैं तो मिनिमम आपके 50% मार्क होने चाहिए और यहाँ पर आपका गेट 2022 का स्कोर कार्ड ही वैलिड रहेगा। और आगे यहाँ पर आपको बताया है अगर आपके बीबीटेक में 59.99% मार्क हैं तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं रहेंगे। हालांकि यहाँ पर जो रिजर्व कैटेगरी हैं उनको यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलने वाला है। और आगे यहाँ पर आपको बताया है अगर आपने बीबीटेक या फिर बीएससी की है इंजीनियरिंग में 4 साल की आप यहां पर एलिजिबल रहेंगे, या फिर आपने बीबीटेक प्लस एमईएमटेक किया है 5 साल का तो भी आप यहां पर एलिजिबल रहेंगे। अब बात कर लेते हैं आपके बेसिक पे के बारे में। तो जो भी दोस्त हमारे यहां पर एजे असिस्टेंट इंजीनियर या फिर असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए सेलेक्ट होंगे उन्हें यहां पर स्टार्टिंग सैलरी 50,000 रुपये प्रति मंथ मिलने वाली है। ये तो यहां पर आपका बेसिक पे रहेगा और इसके साथ आपको अदर अलाउंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर आपका ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आपके ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू के लिए 1:5 रेशियो का यूज होगा, यानी यहाँ पर एक पोस्ट के लिए 5 लोगों को बुलाया जाएगा। इनकेस आपको बताया है अगर मल्टीपल कैंडिडेट के गेट में सेम मार्क हैं तो उनके बीबीटेक में जिनके भी हायर मार्क होंगे उन्हें यहाँ पर सेलेक्ट किया जाएगा। और यहाँ पर आपकी जो भी एज है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसका कट ऑफ यहाँ पर 15 जनवरी 2023 के हिसाब से रहने वाला है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपकी एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो यहाँ पर जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए एप्लीकेशन फ़ीस 118 रुपये रहने वाली है और आपकी बाकी की जो बची कैटेगरी SC ST PWD एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं रहने वाली है। एप्लीकेशन फ़ीस आप यहाँ पर ऑनलाइन पे कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हाउ टू अप्लाई, आप इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो ये रही इनकी ऑफिशियल साइट, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाके अपना फॉर्म इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, आपको अपने रिसेंट पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ यहाँ पर अपलोड करने हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं, आपका जो भी गेट स्कोर कार्ड है वो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। और अगर आप यहाँ पर रिजर्वेशन के लिए क्लेम करने वाले हैं तो यहाँ पर आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। आप लोगों को जाना है इनकी ऑफिशियल साइट पर, वहाँ पर आपको जाना है इनके कैरियर सेक्शन में, वहाँ पर आपको सबसे पहले अपना यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट करना है, फिर आप लोग अपना फॉर्म यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और जिन लोगों को भी यहाँ पर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा उन्हें यहाँ पर किराया मिलने वाला है 3 AC ट्रेन का। और अगला पॉइंट यहाँ पर आपको बताया है वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी इज डिज़ायरेबल, यानी आपको यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपकी इंपॉर्टेंट डेटों के बारे में। तो फॉर्म ऑनलाइन होने यहाँ पर आपके शुरू हो चुके हैं 17 दिसंबर से और लास्ट डेट यहाँ पर आपकी 15 जनवरी रहने वाली है। और आपका GD या पर्सनल इंटरव्यू कब होगा तो ये जानकारी इनकी ऑफिशियल साइट पर अनाउंस की जाएगी। तो जिन भी दोस्तों ने हमारे BBTech किया है सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल या फिर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से, अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड होते हैं एलिजिबल होते हैं आप यहाँ पर ज़रूर अप्लाई करिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका थैंक यू, शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सिविल इंजीनियरिंग के सबसे ज़्यादा जॉब्स अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें।